गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 45,000। तो यार आज मैं आपको गेमिंग स्मार्टफोन बताऊंगा, उसके साथ साथ गेमिंग तो आप कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके साथ साथ भी आपको कैमरा भी बहुत सही देखने को मिलने वाला है, अच्छा डिज़ाइन मिलने वाला है, लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलने वाली है। तो यार वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो, तो हेलो मेरा नाम है रॉबिन अविनाश, वेलकम टू दी अनबॉक्सिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाउड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वाइज, स्टार्ट करते हैं सीधी बात करते हैं नंबर फाइव की। नंबर फाइव की बात करूँ, नंबर फाइव पर यार मैंने रखा वन प्लस 8 प्रो को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, आपको बहुत क्रिएटर्स के पास देखने को मिल जाता है, प्लस आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है। भाई अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है ना, नॉर्मली इजिली कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी देखने को मिलने वाली है। अगर आपने गेमिंग करनी है, इंडोर करनी है, आउटडोर करनी है, कहीं भी करनी है, अभी आप फ़ोन निकालो, करना स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। उसके साथ साथ आपको कैमरा क्वालिटी बहुत तगड़ी देखने को मिलने वाली है। प्लस भाई वन प्लस अगर आप ब्रांड के लवर हो ना तो आप जा सकते हो, प्लस अगर आपको नहीं भी हो ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो मैं आगे फ़ोन बताने वाला हूँ ना, वो उससे भी बहुत लोडेड होने वाले हैं। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, 6.78 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि फ्लूइड डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, 8GB रैम मिल जाती है प्लस 120GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ, आपको 4510mAh की बैटरी मिल जाती है, 30W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूँ, क्वाड कैमरा मिल जाता है जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूँ, आपको 16MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, पहले इसका प्राइस आपको 55,000 देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस कम हो गया, आपको नॉर्मली इजिली मिल 47,000 के बजट तक। ठीक है, अगर आपका इतना बजट है आप जा सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया वन प्लस 8 प्रो की। अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना आप जा सकते हो, अगर आपने सिर्फ चाउड करना है भी आप चाउड भी कर सकते हो, चाउड करने के पैसे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा सही स्मार्टफोन है। अभी आगे बात करते हैं नंबर 4 की। 4 की बात करूँ, नंबर 4 पर यार मैंने रखा है MI 10 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, आपको 5G स्मार्टफोन तो मिल ही जाता है, उसके साथ साथ अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं, आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भाई अगर आप MI लवर हो ना तो आप जा सकते हो इस स्मार्टफोन की ओर। मुझे पता है आपको इसका डिज़ाइन, इसकी लुक, इसके कलर बहुत सही लगने वाले हैं। अगर आपने अभी तक नहीं चाउड किया था MI 10 को, मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं भी आप चाउड कर लेना, लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने चाउड करना है आप चाउड कर सकते हो, अगर आपने परचेज करना है आप परचेज भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं MI 10 के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को, 6.67 इंच 3D कोव्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। इसका डिस्प्ले बहुत तगड़ा होने वाला है, जो कि 98 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस 2 वेंट में देखने को मिलेगा 128GB स्टोरेज प्लस 256GB स्टोरेज। जो भी बजट में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। बैटरी की बात करूँ, आपको 4780mAh की बैटरी मिल जाती है, 30W का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, प्लस आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है, प्लस वॉइस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। प्लस कैमरे की बात करूँ, आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है, 108MP प्लस 30MP प्लस 2MP प्लस 2MP, जिसपे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूँ, आपको 20MP सेल्फी मिल जाती है, बट आपको सेल्फी में 8K वीडियो ऑप्शन नहीं मिलता। प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस भी आपको 45,000 के बजट में मिल जाएगा, पहले इसका प्राइस आपको 50,000 के बजट में देखने को मिलता था। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको MI 10 के भी बता दिया। अभी आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करते हैं, लेकिन नंबर 3 की बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नंबर 3 एंड नंबर 2 मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, बिकॉज दोनों ही सैमसंग की ओर से स्मार्टफोन आते हैं। बात कर रहा हूँ मैं सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की एंड सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की। ठीक है, दोनों स्मार्टफोन्स का कलर डिज़ाइन आपको बहुत मतलब पसंद आने वाला है। प्लस अगर आपने गेमिंग के साथ साथ भाई अगर आपने सिनेमेटिक शूट करना है, व्लॉगिंग करनी है, ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है, उसके साथ भाई अगर आपने रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है ना, तो भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, बिकॉज आपको 8K वीडियो मिल जाता है बैक कैमरे में। फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है। प्रोसेसर बहुत तगड़ा, अगर आपने हाई ग्राफिक पे गेमिंग करनी है आप नॉर्मली इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्लस सैमसंग के फोन्स का प्राइवेसी सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, इसका डिस्प्ले दोनों का बहुत तगड़ा है। अभी बात करते हैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। तो यह पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की। तो डिस्प्ले की बात करूँ, 6.7 इंच डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाते हैं। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको एक्सनॉक्स 990 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, को 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ, आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, को क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 64MP प्लस 12MP प्लस 12MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 10MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस आपको 45,000 के बजट में इजिली नॉर्मली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं
नहीं आने वाली। आप 8K में शूट कर सकते हो, फ्रंट कैमरे में 4K में तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको दो प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, Exynos 990 एंड Snapdragon 865, ठीक है। दोनों 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ भेज है, दोनों बहुत तगड़े हैं। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, Exynos 990 है तो ऐसे है वैसे है, बहुत तगड़ा है, ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। आगे बात करते हैं भाई Samsung Galaxy S20 FE की। तो यार डिस्प्ले की बात, उनको 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात, उनको स्नैपड्रैगन 865 इसमें भी देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 120GB स्टोरेज, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बात करूँ, 4500mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 25W का फास्ट चार्जर, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 12MP प्लस 8MP प्लस 12MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है, जिस पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Samsung Galaxy S20 FE के भी एंड Samsung Galaxy S20 Plus के भी। तो भाई आप देख लेना, अगर आपने मतलब दोनों में से जो भी पसंद आता है आप उसकी ओर जा सकते हो, अगर आपने Samsung की फ़ोन की ओर जाना। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ। नंबर वन पर यार मैंने रखा है, ऑब्वियसली यार मैंने रखा है Asus ROG Phone 3 Google। स्मार्टफोन की बात करूँ, ये गेमिंग के लिए ही तो बना है यार। अगर आपने हार्ड कोर गेमिंग करनी है आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, और किसी की ओर नहीं जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको गेमिंग के साथ साथ अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए, डिजाइन अच्छा चाहिए, लुक वाइज भी अगर आपको अच्छा चाहिए, तो Samsung के फोन जो मैंने आपको बताया ना वो परफेक्ट डील हो सकता है। अभी बात करते हैं Asus ROG Phone 3 की। तो आपको A ट्रिगर मिल जाती है, टाइप सी आपको देखने को मिल जाता है, डुअल टाइप सी देखने को मिलती है, ठीक है। दो जगह से आप चार्ज कर सकते हो, जो कि इसका प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। RGB लाइटिंग के साथ आता है, कूलिंग सिस्टम वगैरह भी देखने को मिल जाता है। इसका डिस्प्ले बहुत तगड़ा, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलता है। मैं आपको यार डीपली बता ही देता हूं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन की बात कर ही लेते हैं। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.59 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि एमोलेड एचडीआर डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत तगड़ा है। अगर आपने हाई ग्राफिक पे गेमिंग करनी है इजीली नॉर्मली कर सकोगे। उसके बाद स्टोरेज की बात करूं, आपको 12GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं, आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 34 का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूं, आपको 64MP प्लस 30MP प्लस 5MP के साथ ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, जिस पे आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं, आपको 24MP सेल्फी मिल जाती है। अदर फीचर्स की बात करूं, आपको डुअल USB पोर्ट मिल जाएंगे, RGB लाइटिंग मिल जाएगी, कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा, A ट्रिगर मिल जाएगा। प्लस प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस ना आपको 45,000 से लेके 48,000 के बजट तक देखने को मिल जाएगा Asus ROG Phone 3। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको Asus ROG Phone 3 के भी बता दिया। अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो, बहुत ज़्यादा अपर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। डिज़ाइन लुक वगैरह बहुत प्यारी है, प्लस RGB लाइटिंग जो आती है ना वो इसको मतलब बहुत अपर लेकर चल जाती है। तो यार अभी मैंने आपको गेमिंग स्मार्टफोन्स बता दिए, गेमिंग फोन्स के साथ साथ मैंने आपको अच्छा कैमरा भी बता दिया, अच्छी डिस्प्ले, अच्छा डिज़ाइन वगैरह भी फोन से बता दिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी अच्छी लगी है वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों को भी देना यार, उनको भी कह देना कि चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक करें, इंस्टाग्राम पे गर्ल फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। भी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, आपको बताएंगे यार, कोई शेयर करेंगे यार। थैंक यू।